मूवी की स्टार्टिंग में हमें विंटर 1918 का समय दिखाया जाता है, जहां हमें एक जॉर्ज नाम का आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर जाता है और उसकी कार और फेस पर खून की कुछ बूंदे गिरती है। वो घबराकर अपने घर जाता है और अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है। अब हमें सीन पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक घर में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसका नाम जॉर्ज और कैथरीन होता है, जो कि अपनी लड़की फ्रेडी का बर्थडे मना रहे होते हैं। जॉर्ज सबको बताता है कि उसकी प्राइवेट कॉलेज में हैज ए प्रोफेसर जॉब लग गई है और हम लोग कल से न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट डे जॉर्ज कैथरीन को न्यू घर दिखाने ले जाता है। वहाँ उसे एक पियानो दिखता है। वो थोड़ा परेशान होती है, कोई इतना अच्छा पियानो कोई कैसे छोड़ के जा सकता है, पर उन दोनों को वो घर अच्छा लगता है। वो लोग वहाँ रहने आ जाते हैं। वो लोग उस घर की सफाई करने के बाद काफी थक जाते हैं और सोने लगते हैं, पर कब पहली रात से ही उस घर में कुछ डरावनी चीजों का एहसास होता है और उनकी बेटी फ्रेनी के एक रूम में एक टॉय की लाइट अपने आप जगती है और एक चेयर भी अपने आप हिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो अपनी माँ के रूम में चली जाती है। वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जॉर्ज अपने कॉलेज जाता है और उसकी मुलाकात प्रोफेसर फ्लॉयड मिलते हैं, जो यूनिवर्सिटी का चेयरमैन होता है, और वो उससे खुश होकर उसे एक बुक देता है। अब घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ बाथरूम में कैथरीन का इलेक्ट्रॉनिक ब्रश अपने आप ऑन हो जाता है और जमीन पर गिरकर एक वेट मशीन को तोड़ देता है। कैथरीन को काफी डर लग रहा होता है। तभी घर पर दो लड़के आते हैं जिनका नाम एडी और कोल होता है। वो लोग उससे कोई काम मांगने आते हैं और कैथरीन जॉर्ज से बात करने के बाद उन्हें काम पर रख लेती है। अब रात के टाइम किचन में सामान रखते वक्त कैथरीन को एक ओल्ड किताब मिलती है, जिसमें पुरानी फैमिली का रिकॉर्ड और उनका डेथ रिकॉर्ड होता है। उस घर में जो लास्ट डेथ होती है उसका नाम कार्ड रखा होता है। कैथरीन उस बुक के बारे में जॉर्ज को बताने जाती है, पर जॉर्ज सो रहा होता है। अब किचन में बर्तन धोते वक्त कैथरीन को एक रिंग मिलती है। जैसे ही वो उस रिंग को पहनती है उसे कुछ डरावना होता है। उसके आसपास कुछ लाइट घूमती है और वो जैसे ही उसके पास जाती है वो गायब हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे कैथरीन एक जगह जाती है जहाँ पर सभी घरों की हिस्ट्री लिखी होती है और वो अपने घर की हिस्ट्री को जानने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो घर स्मिथ फैमिली का है और लास्ट फैमिली जो थी उस घर में वो थी जॉब स्मिथ और उसकी वाइफ, जो दोनों ही उस घर में मरे थे। अब कैथरीन को शक होता है जो मिसेज स्मिथ मरी थी उन्हीं की आत्मा उस घर में है। वो ये सब जॉर्ज को बताने जाती है, पर किसी कारण वो पता नहीं पाती। कुछ समय बाद सब नॉर्मल होने लगता है। कैथरीन और एडी की भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उधर जॉर्ज के कॉलेज में भी सब सही चल रहा होता है। जॉर्ज कॉलेज में जस्टिन नाम के एक प्रोफेसर से मिलता है। जस्टिन जॉर्ज को उसकी वाइफ से मिलने को कहती है। तभी हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है। कैथरीन को कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है और वो उसका पीछा करती है। तभी फ्रेनी को अपने रूम में एक लेडी की आत्मा दिखती है, जिससे वो डर जाती है और कैथरीन के पास भाग कर जाती है और जॉर्ज की नींद खराब हो जाती है और वो दूसरे रूम में सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे कैथरीन को वो रिंग फिर से दिखती है। वो उसे पहन लेती है और उसे अजीब सा लगता है। तभी जॉर्ज कॉलेज जा रहा होता है और उसे एडी दिखता है और उसे जाकर मिलता है और वो कहता है कि तुम कैथरीन को मत बताना कि तुम इस घर के पिछले मालिकों के बेटे हो। रात को जॉर्ज वापस आता है तो अभी भी एडी उसके घर पर होता है। वो पियानो बजा रहा होता है। एडी कहता है कि मुझे ये कैथरीन ने बजाने को कहा और वो वहाँ से जाने लगता है, मगर जॉर्ज उसे रोक लेता है और उसे फिर से बजाने को कहता है। रात में एक डोल में लाइटनिंग ब्लो होती हुई फ्रेनी को नजर आती है और उसे एक लेडी की आत्मा भी नजर आती है, जो कि एडी की माँ एला, जो उससे कहती है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट डे जॉर्ज और कैथरीन जस्टिन के घर जाते हैं। वहाँ उसका हस्बैंड भी होता है। कैथरीन और जस्टिन आपस में बात करती है। जस्टिन उसे एक गुरु के बारे में बताती है जहाँ वो जाया करती थी। कैथरीन वहाँ चलने के लिए रेडी हो जाती है। जॉर्ज ने बहुत ज्यादा पी हुई थी। वो कार को तेजी से चलाता है। उसे कैथरीन मना करती है तो वो कार को रोक देता है। कैथरीन कार से बाहर चली जाती है। जॉर्ज उसे सॉरी कहता है, पर फिर वो एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। जॉर्ज कैथरीन को कार में ले जाने लगता है,
पर वो उसे एक गड्ढे में धक्का दे देता है। इस बात से कैथी नाराज होकर खुद ही कार में बैठ जाती है। वो घर आते हैं तो कॉल फ्रैनी की घर में देखभाल कर रहा होता है, तो जॉर्ज उसे घर छोड़कर आता है। अगले दिन कैथरीन जस्टिन के साथ उस ग्रुप में जाती है और रात में आती है। जॉर्ज उससे खाना खाने के लिए पूछता है, मगर वो कहती है मैंने खाना खा लिया। अगले दिन जॉर्ज फ्लॉयड के साथ उसके बोट पर सैर कर रहा होता है। फ्लॉयड उससे पूछता है कि क्या तुमने वो बुक पढ़ी जो मैंने दी थी। वो कहता है नहीं, वो बुक कैथरीन पढ़ रही है। वहाँ फ्लॉयड और जॉर्ज आते हैं। कैथरीन फ्लॉयड से मिलकर बहुत खुश थी और वो उसे घर दिखाने ऊपर ले जाती है। फ्लॉयड को वहाँ वो आत्मा महसूस होती है। वो कैथरीन से कहता है कि वो यहाँ तुम्हारे लिए वापस आई है और वो तुम्हें यहाँ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। कैथरीन कहती है मुझे भी ऐसा लगता है, और फ्लॉयड उससे कहता है कि हमें उस आत्मा की सुख शांति के लिए एक पाठ करना चाहिए, और कैथरीन उसके लिए तैयार हो जाती है। वहाँ से फ्लॉयड चला जाता है। जॉर्ज कैथरीन से कहता है कि हमें मेरे पूरे ग्रुप को पार्टी देनी चाहिए। कैथरीन कहती है हमें अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना चाहिए। जॉर्ज इसके लिए हाँ कर देता है। अगले दिन वहाँ वो पार्टी चल रही थी जहाँ सब आते हैं। वहाँ कॉल और एडी भी होते हैं। कैथरीन वाइन को खोल रही है। वहाँ मैरी आकर उससे कहती है कि तुमने सही किया, फिर से एडी और कॉल को इस घर में बुला लिया। कैथरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो ये क्या कह रही है, तो मैरी उसे बताती है कि एडी और कॉल यही पैदा हुए थे। वो कहती है कि एडी के डैड ने अपनी फैमिली को सर्टिव दिया। जब वो बेहोश हो गए तो सारी गायों को मार कर आते हैं और डेटर को स्टार्ट करते हैं, जिससे वो और उसकी वाइफ दम घुटकर मर जाते हैं। ये सुनकर कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है कि जॉर्ज ने उसे ये सब क्यों नहीं बताया। सबके जाने के बाद जॉर्ज कैथरीन के पास आता है और वो उससे नाराज थी। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस घर के बारे में। वो कहता है कि मैं तुम्हें टेंशन में नहीं डालना चाहता था। अगले दिन कैथरीन फ्लॉयड और बाकी सब लोगों को घर में बुलाती है और वो सब आत्मा को बुलाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस घर में एक और आत्मा है। अगले दिन कैथरीन कहीं जा रही होती है तो उसे एडी मिलता है और वो एडी को वो रिंग देने लगती है, मगर एडी उसे मना करता है। वो कहता है कि ये मेरी माँ की रिंग थी, पर आप उसे रख सकती है। तभी जॉर्ज को दिखाते हैं, जो कि बच्चों के साथ एक म्यूजियम में था, और वहाँ वार्नर आता है, जिसे पता चलता है कि जॉर्ज कॉलेज में प्रोफेसर है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे इस कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला बिना रिकमेंडेशन के। वो कहता है कि मैं यहाँ प्रोफेसर नहीं हूँ, बस मैं बस छोटे लेवल पर यहाँ काम करता हूँ। मगर वार्नर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये बात जस्टिन भी सुन लेती है। रात में जॉर्ज कैथरीन को जस्टिन से मिलने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो सही नहीं, तुम मत मिलना उसे बस। अगले दिन फ्लॉयड को पता चल जाता है कि वरेन ने जॉर्ज के लिए कोई भी रिकमेंडेशन लेटर नहीं लिखा। वो धोखे से यहाँ कॉलेज टीचर की जॉब कर रहा है। वो इस बात पर जॉर्ज पर गुस्सा होता है, मगर जॉर्ज उसे उसकी बात सुनने को कहता है तो वो एग्री हो जाता है। रात में जॉर्ज के घर उसके माँ और बाप आते हैं, जिसमें कैथरीन को पता चलता है कि उसकी फैमिली में एक एंग्री नाम का लड़का था जिसकी मौत हो गई थी। वो एक अच्छा आर्टिस्ट था। ये सुनकर कैथरीन समझ जाती है कि एंग्री कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज ही है। अगले दिन जॉर्ज फ्लॉयड के साथ उसके बोर्ड पर जाता है। फ्लॉयड उसे कहता है कि तुम्हें ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। अब मैं कमेटी को बता दूंगा कि तुम यहाँ धोखाधड़ी से आए हो, और तुम्हारा दोस्त होने के नाते ये कोशिश करूंगा कि तुमसे थोड़ी नमी बढ़ती जाए। जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मार देता है, और रात को जॉर्ज उसे मार कर घर जा रहा होता है और उसे जस्टिन मिलती है। उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये बात वो कैथरीन को बताने जाती है। तभी जॉर्ज उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और वो बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, और वो घर जाता है और पूरी तरह से भीगा होता है। कैथरीन को भी शक होता है कुछ तो गड़बड़ है। इसने अगली सुबह कैथरीन को जस्टिन के बारे में पता चलता है और वो उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है। दूसरी तरफ जॉर्ज एक मेडिकल स्टोर पर नींद की दवाई ले रहा होता है। जब कैथरीन घर वापस आ रही होती है तो उसे पता चलता है कि फ्लॉयड पानी में डूबकर मर गया है, और उसे पता चल जाता है कि ये जॉर्ज का काम है।
और वो घर छोड़कर जाने के लिए सामान पैकिंग कर रही होती है और जॉर्ज को पता चल जाता है और वो उसे एक एनर्जी ड्रिंक में नींद की दवा मिला कर दे देता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो जानती है कि तुमने फ्लॉयड को उसने मारा है। जॉर्ज कहता है अगर तुमने जाना है तो अकेली जाओ, हमारी बच्ची तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। कैथरीन को चक्कर आ रहे होते हैं, तभी उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड ने उसे नींद की दवाई दी है और वो एला यानी उस आत्मा से मदद मांगती है। वो उसकी हेल्प करने आती है पर वो कर नहीं पाती क्योंकि उसके हस्बैंड की आत्मा उसे वहाँ से ले जाती है और कैथरीन भी बेहोश हो जाती है। जॉर्ज वहाँ आता है जिसे एला का हस्बैंड मारने को कहता है और वो अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार देता है। वो खून ही खून हो जाता है और उसके हाथ से वो रिम भी गिर जाती है। जॉर्ज पुलिस को बुलाता है और कहता है कि उसकी पत्नी का किसी ने खून कर दिया और पुलिस जॉर्ज को पूछताछ के लिए ले जाती है। वह एडी भी पहुंच जाता है पुलिस को ये बताने कि ये खून जॉर्ज ने ही किया है, पर सबूत ना होने के कारण पुलिस उसे छोड़ देती है। यह जस्टिन कोमा में थी तो उसे पता चलता है कि वो घर श्रापित है। जब भी वहाँ कोई कपल रहने आता है तो उसमें लड़की तो अच्छी बन जाती है पर उसका हस्बैंड उसे मार देता है। जस्टिन को एला और कैथरीन साथ दिखाई देते हैं और वो कोमा से बाहर आ जाती है। वहाँ जॉर्ज को जस्टिक का मैसेज मिलता है और वो घबरा कर एक बोट लेकर भाग रहा होता है। जस्टिक के पास पुलिस वाले आते हैं और दूसरी ओर जॉर्ज एक तूफान आने के कारण डूब कर मर जाता है। और एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो रिंग एला की नहीं बल्कि उससे पहले वाले मालिक की थी जिसका नाम बुक से हटा दिया जाता है। यही पर मूवी का एंड हो जाता है।